दोस्तों, क्या आप अपने प्ले स्टोर में पेरेंटल कंट्रोल को ऑन कर दिए हैं और उसका आप पासवर्ड भूल गए हैं? अगर आप अपने प्ले स्टोर की पेरेंटल कंट्रोल की पासवर्ड को फॉरगेट करना चाहते हैं तो फिर आज की इस वीडियो को आप अंत तक वॉच कीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पे हम अपने फोन की होम स्क्रीन पे हैं और यहाँ पे हम सीखेंगे कि प्ले स्टोर की पेरेंटल कंट्रोल की पासवर्ड अगर हम भूल जाते हैं तो उसे कैसे हम फॉरगेट कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं अगर प्ले स्टोर को ओपन करता हूँ और इसके बाद यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, इसके बाद यहाँ पे मैं जाता हूँ सेटिंग में, इसके बाद यहाँ पे फैमिली पेरेंटल कंट्रोल पे अगर जाता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन ऑन है पेरेंटल कंट्रोल का। अगर इसे यहाँ से हमें ऑफ करना होगा तो यहाँ पे पिन डालना होगा। अगर मैं यहाँ पे गलत पिन डालूंगा तो यहाँ पे ये इंटर नहीं हो पाएगा और यहाँ पे फॉरगेट का भी कोई ऑप्शन नहीं आता है। तो दोस्तों, इसको फॉरगेट करने के लिए आप यहाँ से इसे कट कर दीजिएगा और कट कर देने के बाद आप अपने फोन की सेटिंग्स में जाइएगा, अपना फोन की सेटिंग्स को ओपन कीजिएगा और फोन की सेटिंग्स में आ जाने के बाद यहाँ पे आप नीचे की तरफ स्क्रोल डाउन करके आइएगा तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एप्स का, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा मैनेज ऐप। दोस्तों, मेरा फोन एमआई का है इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। अगर आपका फोन कोई और कंपनी का होगा तो आप यहाँ पे मैनेज ऐप या फिर ऐप लिख के सर्च करेंगे तो ये ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं एप्स पे और इसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करते हैं मैनेज ऐप पे। तो दोस्तों, अब आपके फोन में यहाँ पे जितने भी ऐप इंस्टॉल्ड होते हैं वो सब के सब यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको ढूंढना होगा अपना प्ले स्टोर। अगर आपको यहाँ पे प्ले स्टोर नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पे सर्च करके भी ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे ये प्ले स्टोर है और आप इस प्ले स्टोर पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्लियर डाटा का, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा और इसके बाद यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा क्लियर ऑल डाटा, इसके बाद आप क्लिक कीजिएगा ओके। दोस्तों, अब यहाँ से आपकी प्ले स्टोर की पेरेंटल कंट्रोल लॉक वाली पासवर्ड फॉरगेट हो जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ से इसे हम कट करते हैं और ओपन करते हैं अपने प्ले स्टोर को और प्ले स्टोर ओपन हो जाने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करते हैं सेटिंग्स पे। तो सेटिंग्स पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे हम फिर से क्लिक करते हैं पेरेंटल कंट्रोल पे। तो देखिए दोस्तों, अब ये ऑप्शन यहाँ पे ऑफ हो गया है। अब यहाँ पे आप क्लिक करके चाहें तो आप अपना नया पासवर्ड सेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो के काम की होगी, आपके हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप में और ऐसे ही सिंपल सिंपल वीडियो में अपने चैनल पर लेकर आते रहते तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।